आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आखिर है कहाँ लक्ष्मी का निवास? बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच ही बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ले ली जाए और देखा जाए कि क्या वह भटकता है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी नींद में है और हम उसके सपने में जाते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। अगले ही क्षणों में सेठ जी को स्वप्न आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनकी सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और सालों से मैं आपके भवन में निवास करते करते थक गई हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज्ञापन रहें। यदि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बुराई को कैसे रोक सकता हूँ? आप अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी उनके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी का रूप बदल कर पुनः सेठ के सौपन में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ, नहीं साहब, मैं आपको नहीं पहचानता। यश, मैं यश हूँ, मैं तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, इसीलिए मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हो तो वही सही। सेठ जी अभी भी सपने में थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्ते और दोस्त भी उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान करते थे वो भी बुराई करने लगे। कुछ और समय परमाणों पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के सौपन में आई और बोली, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता के घर में साथ नहीं दे सकता, मैं भी जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ और समय जाने के बाद माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सौपन में प्रकट होती है और बोली, मैं सत्य हूँ लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सच के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, त्याग दें, पर कृपा आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बाकी तीन बड़े आसानी से निकल जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं रोकते आप? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी कहते हैं, मेरे लिए वे तीन भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ, परंतु यदि तुम चले गए तो मेरा जीवन में झूठ प्रवेश करेगा और मेरी वाणी वृत्तियां हो सकती हैं। शुभ, ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और सत्य ने कहा, तुम्हारी जुड़ाव भक्ति में मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्धान हो गया। सेठ जी अभी भी अनिद्रा में थे। थोड़ी देर बाद सौपन में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने धीमी गति से धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ ही जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक हो गए और कहे और बोले, हे देवी,
क्या आप भी मेरे ऊपर कृपा करती हैं? अवश्य अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनकर ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब सपने पर वास्तविकता में एक दृश्य परीक्षा से होते हुए दिख रहा था। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए, जहाँ भी सत्य का निवास होता है वहाँ यश धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो ही जाता है।